कुछ इस टाइप से भाई इन लोग, कितना भाई कष्ट है भाई कंधे में बैठा के ले जाना, अभी चढ़ाई करना सबसे बड़ा बात है। अब बैठा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, फिर चढ़ाई करूँगा। ये रहा माता दरबार, सुकून। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी आप देख रहे हैं वे टू मयंक, और मेरा नाम है मयंक, और मैं अभी उधमपुर में हूँ, जो कि मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रेलवे स्टेशन है, मैं इसी पे बैठा हूँ। और आपने देखा था कि मैंने रात में कैसे आया, कैसे हिचहाइकिंग करके यहाँ तक पहुँचा, और रात में यहाँ पे ये बिताया मैंने। और यहाँ पे सुबह पे आपने देखा पहलवान लोग भी थे, तो मुझे रात में नहीं पता चला था, सुबह पता चला था। तो अभी मैं यहाँ से वैष्णो देवी जाऊँगा, जो कि कटरा स्टेशन है, इस स्टेशन में अभी ट्रेन लेट है, तो अभी बज रही है 6:30, और यहाँ से वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, तो 7 बजे लगभग मैं आएगी, तो उसके बाद यहाँ से मैं चलूँगा। और यहाँ से अभी जाऊँगा, और आप लोगों को देखने को मिलेगा। माता रानी से आप सबके दुआ करूँगा कि आप सबको खुश रखे, और अच्छे लगे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाइए भैया। फाइनली हमारे ट्रेन आ चुकी है, इसी ट्रेन से अभी हमेशा कटरा जाना है भाई। ये ट्रेन आ गई है, भाई अभी इसी ट्रेन से जाना है, अभी चढ़ता हूँ कटरा ऋषिकेश। फाइनली ट्रेन में बैठ गया हूँ, और यहाँ से बस खुलने वाली है ट्रेन, तो यहाँ से चलते हैं फिर। भीड़ नहीं है, बैठ के जा सकते हैं, और भीड़ धीरे धीरे कम होती है। यहाँ से अभी लास्ट कटरा ही जाती है ट्रेन, उसी में बैठा हूँ, बस अभी खोल गई है दोस्तों। फाइनली दोस्तों ये कटरा स्टेशन पहुँच गया हूँ, और बस ये स्टेशन में देख सकते हैं कितना रश है भाई, और श्रद्धालुओं का रस है ये पूरा। और यहाँ से बस बाहर निकलूँगा, और फर्स्ट टाइम है मेरा, देखता हूँ क्या एक्सपीरियंस रहेगा नहीं रहेगा भाई, काफ़ी रस है भाई। और ये बाहर का कुछ दृश्य भाई, रेलवे स्टेशन का बाहर का साइड का, और पाथ बना हुआ है इस साइड में, जो दिख रहा है हमारे इधर से जाना, उधर से नहीं जाना भाई, इस साइड से नहीं जाना आपको, जैसे पाथ बना उसे पाथ में चलना है, ये पाथ बना हुआ इस साइड से। यहाँ पे ऑटो, ये गाड़ियाँ लगी हुई है पैसेंजर के लिए, इसको जाना जा सकते हो। करने के लिए भाई पर्ची लेना है, तो यहाँ से भी हम लोग ये सुराह पे हैं, और यहाँ से माता जी का ये पहाड़ दिख रहा है, माता जी का यहाँ इस साइड में माता जी का पहाड़ है। और अभी हम आज सब लोग सब चढ़ेंगे, हम लोग साथ में मिल के चढ़ाए, है ना भाई, जम्मू से ही है भाई सब लोग, यात्रा स्टेशन जम्मू है ना, यहाँ ये यात्रा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भाई देखो ये पर्ची, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो रहा है, देखो ये यात्रा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है भाई ऑफलाइन साइड में, और अभी हम लोग करवाने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन साइड। हाँ चलो चलो चलो, नहीं बंद है भाई, रास्ते बने हुए हैं, और यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं, पंजीकरण जिसको बोलते हैं। और ये भाई काफ़ी घुमेदार रास्ता बना हुआ है, काफ़ी श्रद्धालुओं का भीड़ है भाई यहाँ पे, ये भीड़, ये काउंटर है भाई, भीड़ देख सकते हो श्रद्धालुओं का, ये हमारे भाई सब भी यहाँ पे लग गए हैं सारे भाई ये काउंटर में, तो हम भी यहाँ पे भी भाई वेट कर रहा हूँ, पंजीकरण करा लिया हूँ, ये हमारे कार्ड, और हमारे भाई सब लोग का भी भाई, यहाँ से भी बस चढ़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं, और अभी चढ़ाई करनी है, किधर से जाना भाई।
आ रहे हो पहली बार और कार्ड का टेंशन है तो इजीली कार्ड मिल जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं और कोई कॉस्ट नहीं लगता भाई, कोई पैसा नहीं, बस अपना पिन कोड देना पड़ता है, ऊपर से नाम बताना पड़ेगा, आधार कार्ड भी अभी कंपलसरी नहीं है, बस फेस का वो ले लेते हैं कैमरा और मस्त है भाई। यात्रा स्टार्ट कर दी है तो यहाँ पे काफी धूप है और गर्मी भी लग रही है तो होप कि ऊपर ठंडी हो, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे देखो। यहाँ फाइनली मेन गेट के पास पहुंच गए, ये लाइन बाय लाइन इधर से जाना भाई, पाथ बना हुआ है और ये मेन गेट है, यहीं से चढ़ाई स्टार्ट होगी, मेन चढ़ाई और यहाँ पे सारे सिक्योरिटी चेक हो चुका है, यहाँ से बस माता जी का दरबार के लिए हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ से चेकिंग वुकिंग तो हो गया भाई, सारा बैग भैया और ये भीड़ है भाई श्रद्धालुओं का। कैसे आप यहाँ पे घोड़े ले सकते हैं, यहाँ से पालकी भी है भाई, कुछ भाई मिल के पालकी भी यहाँ पे चढ़ा रहे हैं माता जी तक। क्या चार्ज करते हो? हाँ भाई 3,104 50, मतलब 3,150 ना, ये चार्ज करते हैं भाई। अब गोपाल के में चार बंदे लगे हुए हैं भाई, ऊपर ले जाने का नीचे ले आने का भी है ना, केवल चढ़ाई का इस टाइप से भाई, इन लोग कितना भाई कष्ट है भाई, कंधे में बैठा के ले जाना, अभी चढ़ाई करना सबसे बड़ा बात है, आप देख सकते हो कष्ट इतने भी लगे हुए हैं ना। अभी आपके बच्चे हैं तो ये ले सकते हैं रेंट पे और ये बच्चे को साथ में चढ़ा सकते हैं, है ना भाई। और ये इसे चढ़ाई चढ़ रहा हो ना दोस्तों, वैसे सांस फूल रही है और थकान भी हो रही है, और भाई यहाँ सब भाई चढ़ा, अभी तो भाई हम लोग स्टार्टिंग है, एक चौथाई कवर की है, अभी तीन चौथाई हम लोग कवर करना है भाई, बाय भाई। भाई मैंने वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट किया हूँ, वो मेन गेट है उधर से आया था मैं, वहाँ से चढ़ चढ़ के इधर से होते हुए भाई इस साइड से, इधर से होते हुए इस साइड से यहाँ तक पहुँच गया, अभी वहाँ तक पहुँचना है भाई, ऊपर ऊपर तक पहुँचना है। और मैं इसी जगह पे हूँ, यहाँ पे आधा दूर तो तय कर लिया हूँ भाई, और आधा दूर तय करना है तो हम माता वैष्णो के आए, आधी आधी चढ़ाई कवर कर रही है तो अभी थोड़ी सी रही है तो भाई इन लोगों की। और भाई क्या हाल चाल है मैं? अरे भाई क्या बताओ, अभी बैठा हुआ थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, फिर चढ़ाई करूंगा, यहाँ से भी 2.5 किलोमीटर और चढ़ना है। अरे भाई सब लोग भी बैठे हुए भाई, भाई सब लोग सब थक चुके हैं भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ चलते हैं भाई यहाँ से। भाई वो जो स्टेशन दिख रहा है ना, वो स्टेशन है भाई, और ये रास्ता इधर जैसे दिख रहा है ये जो सामने, वो रास्ता उधर से आए भाई हम लोग और यहाँ तक अभी चढ़ाई कर लिया भाई, पर इतनी भी नहीं लग रही, करीबन हम लोग 6 किलोमीटर चल दिए भाई, मतलब चढ़ाई कर लिया 6 किलोमीटर ज्यादा चल लिया भाई, 6 से ज्यादा ही हो गया, पूरी तरह से थक गया तो भाई बहुत ही दर्द हो रही है, मसाज करनी पड़ेगी यार, फिर अभी चढ़ना है भाई, कुछ और सफर है यहां से, देखते हैं भाई मिलते हैं दोबारा, अब चलते हैं भाई अगले, काफी अगले शो में। भाई साहब यहाँ पे माता रानी का दो रास्ता था, इधर से अभी हम जा रहे हैं जो कि 5.5 किलोमीटर था, उधर वाले रास्ता में 6.5 किलोमीटर था भाई, यहाँ से बैटरी वाले टिकट ले सकते हैं, पर पर्सन 350 है भाई इस जगह से। भाई फाइनली माता जी का दरबार दर्शन हो गया, ये हमारे सामने है भाई, और बहुत ही देख के अंदर से खुशी हो रहा है, थोड़ा सा बच्चा है और यहाँ से बस दरबार में पहुँच जाएंगे भाई। Thank you.
फाइनली माता का दरबार में पहुंच ही गए भाई बहुत टाइम के बाद, और माता जी का दर्शन किया जाएगा। ये रहा माता दरबार, ओ सुकून। लॉकर के लिए जा रहे हैं, यहाँ बैग मोबाइल पर्स कोई अलाव नहीं है, आप खाली आप जा सकते हैं माता जी के दरबार में, आप दूर से दर्शन कर सकते हो भाई। तो अभी जा रहे हैं लॉकर जमा करने के लिए, मैं देखता हूँ। माता जी का तो दर्शन हो गया है, हमारे पीछे देख सकते हैं माता जी है। अभी हम यहाँ पे हैं पिक ये सेल्फी पॉइंट पे, और यहीं से आपका वीडियो को बता रहा हूँ, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना मना था, बैग भी ले जाना मना था, चमड़े का जो ये रहता है बेल्ट वो भी मना है, पर्स भी मना है भाई, पैसे ले जा सकते हो, सिर्फ पैसे सोना ले जा सकते हो। और ये चीज़ हुआ, मैं दर्शन कर लिया, बहुत ही अच्छा लगा, आनंद लगा, और वहाँ पे गुफा के अंदर भी गया तो बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे भाई लोग से जानता हूँ कि कैसा लगा उन लोगों को, हेलो कैसा लगा आप लोगों को? ये हमारे भाई लोग थे जो कि यहीं के हैं भाई, ये यहीं के हैं, जम्मू से ही है, और इन लोग का यहीं पे हमको भेंट हुआ था, इन लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। साथ में हम लोग आए, साथ में चढ़ाई की और साथ में दर्शन किया, और यहाँ से चलते हैं भाई। छोटू से पूछोगे नीचे उतर गया हूँ भाई, ये मेन गेट यहीं पे था, यहाँ से एंट्री लिया था, वो रहा पहाड़ उस साइड में, और यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, देखता हूँ कौन सा गाड़ी मिलता, बस मिलती है तो यहाँ से डायरेक्ट अमृतसर। तो मिलते हैं दोस्तों डायरेक्ट अमृतसर में आपसे।